नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज हम लोग मौजूद हैं शिक्षा मंत्री के पास, जो कि हमारे लिए पूरे राज्य के लिए टाइगर के रूप में वापसी उन्होंने की है। यह सबसे बड़ी बात है। कोरोना के काल में इनका सबसे ज्यादा तबियत, मंत्रीगणों में सबसे ज्यादा तबियत इन्हीं की खराब हुई थी, जिसके बाद इन्हें चेन्नई भेज दिया गया था इलाज के लिए, जिसके बाद ये काफी वक्त तक वहां पर इलाजरत रहे और उसके बाद फिर झारखंड वापस लौटे। तो ये झारखंड के टाइगर है और कोरोना को हराने में सबसे ज्यादा मेहनत कहीं ना कहीं इनके शरीर को मिली है। तो हम लोग अभी इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जैक की भी परीक्षा हुई, उसके रिजल्ट को लेकर छात्र काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, रोड जाम कर दिया, इनकी आवाज का घेराव किया। और साथ ही साथ जब ये चेन्नई में थे तो शिक्षक जो पारा शिक्षक है उनके मामले भी बहुत ज्यादा सामने आए, और चेन्नई से ही इन्होंने उसको लेकर के बहुत सारी जो इनका राय था वो चेन्नई से ही यहाँ पर पहुंचाने का काम किया। तो एक बार हम इनसे पूछते हैं कि आगे इनकी जो समीक्षा बैठक कुछ दिन पहले होने वाली थी वो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर इनकी समीक्षा बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ उसमें मुद्दे रहेंगे एक बार हम इनसे जानते हैं। जी, मुद्दा उसमें समीक्षा बैठक में सारी तरह का मुद्दा है, लेकिन एक पारा टीचर भी मुद्दा है। तो अलग अलग विभाग का अलग अलग विषय का, लेकिन शिक्षा विभाग का समीक्षा है। शिक्षा विभाग में समीक्षा किया जाएगा कि हम लोग चुनावी एजेंडा के साथ उतरे थे मैदान में, सफलता हासिल हुआ। उसी तरह पारा टीचर का जो मामला है, इस पर हम लोग गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं, इसको हम लोग कल किया। सर, जो अभी जैक बोर्ड के जो छात्र हैं उनका भी एक आंदोलन, आपके घर का घेराव किया गया, रोड जाम कर दिया गया, लेकिन जो अभी तक का रिजल्ट जो हुआ है झारखंड का, वो पहले के मुताबिक काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हम लड़का लोग को कहेंगे पढ़ाई करे, लड़ाई नहीं करे, ये तो नियम का बात है। जो फार्मूला बनाया गया था, फार्मूला के जो अंदर आए हैं, पास हुआ है, परीक्षा तो दिया नहीं, फार्मूला के बाहर जो है वो फेल है। उसके बाद भी एक गिरवान सेल का गठन किया गया, गिरवान सेल में बोला गया है कि आप आपत्ति दर्ज करो, आपत्ति दर्ज में यदि आपका आपत्ति सही पाया जाएगा तो पास कर दिया जाएगा, और फिर से जो परीक्षा देना चाहते हैं तो परीक्षा दे के पास हो, वो भी रेगुलर छात्राओं में। तो आप लोगों ने सुना कि ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो छात्र हैं वो कृपया लड़ाई ना करें बल्कि पढ़ाई कर रहे। इस बार जिस तरीके से एग्जाम नहीं लिए गए थे उनके मेरिट पर ही उन्हें एग्जाम दिया गया था, तो बहुत ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस बार शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक होनी है उसमें पारा शिक्षक भी एक बड़ा मुद्दा रहेंगे, उनके लिए भी कार्य किए जाने हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत अच्छी पहल सभी के तरफ से की जा रही। शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि जितना जो भी परेशानी है वो व्यक्तिगत रूप में आकर के वो बताएं वहां पर जैक बोर्ड में, और उसके बाद फिर परीक्षा दे, उसके बाद फिर पास हो अगर उन्हें कोई परेशानी हो। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।